फ्रेंड्स, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके दो मेथड्स होते हैं, पहला है मैग्नेटोरेस्ट्रिक्शन मेथड और दूसरा पेजियो इलेक्ट्रिक मेथड। तो फर्स्ट अपन देखते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड क्या होता है, या इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड भी बोलते हैं या मैग्नेटोरेस्ट्रिक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, इस फिनोमिनन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिनन, व्हेन अ रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और निकल, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहे आयरन का हो या निकल का, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली इस रॉड को प्लेस किया गया है। क्लियर? अ स्मॉल एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन आकर, तो इसमें क्या होगा, आपको ये जो रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब रखा जाएगा तो इसमें आप देखेंगे कि डीएल लेंथ का स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। क्लियर? दिस चेंज ऑफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन ऑफ द फील्ड एंड ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ये जो है जरूरी नहीं कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, यहां भी नॉर्थ हो सकता है यहां भी साउथ हो सकता है, इसके साइन पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है इसके मैग्नीट्यूड पर, कितना स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, और किस नेचर का मटेरियल से बना हुआ है इस पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके? इफ द रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल कैरिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, इसी रॉड को अगर मैं किसी करंट कैरिंग कॉइल के बीच में अगर रख देता हूं मैं, तो देन इट सफर द सेम चेंज इन लेंथ, तब भी क्या होगा, वैसे ही चेंज इन लेंथ मेरे को देखने को मिलेगा फॉर ईच हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हर हाफ साइकिल में किसके अल्टरनेटिंग करंट में। दिस रिजल्ट इन सेटिंग ऑफ वाइब्रेशन इन द रॉड हूज फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके कारण क्या होगा, उस रॉड में वाइब्रेशन होंगे, तो वाइब्रेशन होंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसमें वाइब्रेशन कारण या तो कॉन लेंथ क्या होगा एक्सटेंड करेगा या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, जितनी ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट की फ्रीक्वेंसी होगी उससे जस्ट डबल होगी, ट्वाइस इज ट्वाइस दैट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? इसका देखते हैं इसका प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इससे कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू द मेथड ऑफ मैग्नेटोरेस्ट्रिक्शन। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स थ्रू द मेथड ऑफ मैग्नेटोरेस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम दिया गया है, तो देखिए डायग्राम में क्या है, ये सिंपल एक रॉड है, रॉड में क्या किए हम कॉइल बाउंड किए हैं और इसको डीसी सोर्स अप्लाई किए हैं, तो और इसमें एक और इसमें से वायर निकाल के इसमें भी क्या है अलग से अपन कॉइलिंग के जिसका नाम है L1, एक सिरे में एक एंड में और दूसरे लेंथ में अपन क्या किए हैं दूसरे कॉइल बाउंड किए हैं जिसका लेंथ है L2। ये अलग है, इस लेंथ में नहीं है, ये लेंथ रॉड ऑफ में जो कॉइल बाउंड किया गया वो अलग है, और जो इस सोर्स के अकॉर्डिंग यहां से देखिए ये जो है ये है इसका साथ, ये इसके साथ टर्मिनेटेड है, ये दोनों वायर इस कॉइल के द्वारा टर्मिनेटेड है, सिमिलरली इस ये पार्ट जो है इस कॉइल के द्वारा टर्मिनेटेड है जो L1 और L2 है। क्लियर? तो ये वायर इधर से आके एक वेरिएबल सर्किट से जुड़ा वाल्व से जुड़ा है, और ये वाल्व किससे कनेक्टेड है मिली एमीटर से। ओके? और फर्दर ये जाके वेरिएबल कंडेंसर से कनेक्टेड है जो कि एक हाई टेंशन सोर्स से कनेक्टेड है। तो इसी चीज को मैंने एक्सपेरिमेंटली इसको अपन दिखाएंगे कि कैसे इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होता है, तो आप देखिए इसी चीज को मैंने यहां डिस्क्राइब किया है। तो यहां देखिए एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन फॉर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां क्या बोला गया है, देयर इज अ शॉर्ट निकल रॉड विच इज क्लैंप एट द सेंटर, तो एक शॉर्ट निकल रॉड है जिसको अपन सेंटर पर क्या किया क्लैंप किए हैं। दिस रॉड इज परमानेंटली मैग्नेटाइज इन द बिगनिंग बाई पासिंग अ डायरेक्ट करंट इन द कॉइल, और इस कॉइल को अपन मैग्नेटाइज कैसे किए हैं थ्रू दिस डीसी सप्लाई। ओके? विच इज रैप्ड अराउंड द रॉड, और ये डीसी सप्लाई मतलब मैग्नेटिक कैसे होगा थ्रू दिस कॉइल जिसको अपन बाउंड किए हैं इस रॉड के अबाउट। क्लियर? देयर आर टू अदर कॉइल्स, टू L1 कॉइल्स, टू कॉइल्स दैट इज L1 एंड L2 विच आर रैप्ड अराउंड द रॉड, ये आपका L1 और L2 जो इस रॉड के अबाउट क्या क्या है रैप्ड किया गया है। क्लियर? द कॉइल L2 इज कनेक्टेड इन द प्लेट सर्किट ऑफ ए वाल्व, देखिए ये जो L2 है एक प्लेट सर्किट के द्वारा, ये मेरा प्लेट सर्किट है इसके द्वारा क्या है ये कनेक्टेड है। क्लियर? वाइल L1 इज कनेक्टेड इन द ग्रिड सर्किट, और L1 किससे कनेक्टेड है ग्रिड सर्किट से, मेन सर्किट से। ओके? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग प्लेट सर्किट इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कंडेंसर सी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल L2, और जो फ्रीक्वेंसी है इस ऑसिलेटिंग प्लेट का
प्लेट सर्किट का, वो किसके द्वारा कनेक्टेड है, वेरिएबल कंडेंसर सी के द्वारा, जो क्या कर रहा है, किसके अबाउट कनेक्टेड है, थ्रू द अक्रॉस द कॉइल एल टू। ओके, ये मेरा वेरिएबल कंडेंसर के द्वारा ये क्या है, प्लेट सर्किट है। देखिए दो टू प्लेट लगा है, प्लेट सर्किट के द्वारा ये क्या है, इसके फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए हम इसको कनेक्ट किए हैं। द डायरेक्ट करंट मिलियमीटर, ये मेरा डायरेक्ट करंट मिलियमीटर, जो करंट फ्लो हो रहा है ये कौन रीड कर रहा है, ये मिलियमीटर रीड्स द प्लेट करंट, जो है इस प्लेट करंट के रीडिंग को नोट रीड कर रहा है। रेजोनेंट वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन द सराउंडिंग मीडियम, अब रेजोनेंट वाइब्रेशन इसके अबाउट क्या किया गया, प्रोड्यूस किया जाता है इस सर्किट के अबाउट। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेट सर्किट इज द सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड, जब इस प्लेट सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है और जब इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड इसका जब मतलब इक्वल होता है, सेम होता है, द मिलीमीटर रिकॉर्ड द मैक्सिमम करंट, उस केस में क्या होता है, जो मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम करंट को रीड करेगा। व्हेन द रेजोनेंट ऑसिलेशन स्टार्ट, जब इसके बीच में क्या होगा, रेजोनेंट ऑसिलेशन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब सेम हो जाएगी तब ये क्या करेगा, रेजोनेंट ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर, तो अब देखिए व्हेन द प्लेट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एल टू इज चेंज्ड, अब जब इसके अबाउट एल टू के अबाउट क्या होगा, करंट अगर चेंज हो रहा है प्लेट करंट, तो इट कॉजेस करस्पॉन्डिंग चेंज इन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड मैग्नेटाइज, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इस रॉड के मैग्नेटाइजेशन को इफेक्ट करेगा, करस्पॉन्डिंग चेंज, और इसमें क्या करेगा, चेंज लाएगा। क्लियर, हेंस देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, इसके कारण क्या होगा, जब ये वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन चेंज होने के कारण इसमें क्या होगा, लेंथ में भी चेंज अपने को दिखने मिलेगा साइमल्टेनियसली। दिस वाइब्रेशन इन द लेंथ कॉजेस अ वाइब्रेशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ग्रिड कॉइल L1, और ये जो वाइब्रेशन है इसके द्वारा जो जनरेटेड वाइब्रेशन, ये अल्टीमेटली भी किसको इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सर्किट किससे कनेक्टेड है, L1 से। तो दिस वाइब्रेशन इन द लेंथ कॉजेस अ वाइब्रेशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द, और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, इसके कारण अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है इसमें भी चेंज होगा। क्लियर, तो ग्रिड कॉइल L1 विच इन टर्न कॉजेस द EMF डेवलप्ड अक्रॉस L1, और इसके कारण अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी क्या होगा, EMF डेवलप हो जाएगा अक्रॉस द कॉइल L1। दिस EMF acts on the grid and produce an amplified current change in the plate circuit that is in the coil L2. अब इसके कारण जो EMF प्रोड्यूस होगा, इसमें जो EMF प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा, अल्टीमेटली आके फिर किसके कॉइल को, किसके करंट को वैल्यू को चेंज करेगा, L2 के। दिस EMF acts on the grid and produces an amplified current change in the plate circuit. इस प्लेट सर्किट के अबाउट चेंज करेगा, जो किससे कनेक्टेड है, L2 से, दैट इज इन द कॉइल L2, मतलब इसमें अगर कोई चेंजेस आएगा तो साइमल्टेनियसली इस L2 में भी हमको क्या करेगा, साइमल्टेनियस उतना ही चेंज हमको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ये इसके कारण मैग्नेटाइज होने पर, ये जब मैग्नेटाइज होगा तो L2 में भी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वही बोला है, इन दिस वे द प्लेट करंट बिल्ड अप टू अ लार्ज एम्पलीट्यूड विद द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड। तो अब देखिए ये जो प्लेट करंट है ये क्या कर रहा है, बिल्ड अप टू अ लार्ज, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी धीरे धीरे क्या होगी, अब इसके कारण जो मैग्नेटाइज होगी तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस बात है बढ़ते जाएगी, तो बढ़ते जाएगी तो कब तक, बिल्ड अप टू अ लार्ज एम्पलीट्यूड विद द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड, मतलब ये रॉड क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टली मूव करना चालू कर देगा, दैट इज इसके लेंथ के अलॉन्ग क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड, मैंने बताया जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाएगी तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस अकर्स एंड द साउंड वेव्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर जनरेटेड, और उस केस में क्या होगा, जब साउंड वेव जनरेट होगा तो उसकी एम्पलीट्यूड जो रहेगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहेगी एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ द रॉड एंड द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। अब मान लीजिए मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जनरेट करना है तो मैं किसके लेंथ को एडजस्ट करूंगा, या तो लेंथ ऑफ द रॉड को या तो इस वेरिएबल कंडेंसर के वैल्यू को, इसके कारण क्या होगा, जो मेरे हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होंगे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन वो क्या होंगे, मेरे को ऑप्टेन होंगे। क्लियर, तो यही चीज है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मतलब द फ्रीक्वेंसी रेंजिंग बिटवीन 20 किलोहर्ट्स टू 20 किलोहर्ट्स, तो इसी के बीच में क्या होता है, हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स मतलब इसकी रेंज है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, तो इसीलिए इस मेथड को हम अल्टीमेटली अल्ट्रासोनिक वेव्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।